हेलो एवरीवन, आई एम आयुषी वर्मा। आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम दिवाली पे एक स्पीच देने वाले हैं। दिवाली खुशियों के साथ साथ उजाले का त्यौहार है। माना जाता है कि इस दिन श्री राम ने रावण का वध करके और 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे, और इसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जला के उनका स्वागत किया था। दिवाली के दो दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, और इस दिन भी लोग बहुत ही धूमधाम से धनतेरस का पर्व मनाते हैं। दिवाली के दिन बहुत सारे दिए जलते हैं, मोमबत्तियां जलती हैं, लोगों के घरों में लाइटें लगती हैं, और लोग गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस दिन लोग आपस में मिलजुल कर मिठाइयाँ खाते हैं, दिए जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, पटाखे लगाते हैं, और बहुत ही धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। खासकर इस पर्व में बच्चे बहुत ही खुश नजर आते हैं। यह देखा गया है कि लोग बड़ी बड़ी दुकानों से सामान खरीदते हैं, दिए खरीदते हैं, कैंडल्स खरीदते हैं, और दिवाली की लाइट्स वगैरह खरीदते हैं। बट क्यों ना हम इस बार गरीब की दिवाली भी बहुत अच्छी करें। दिवाली सबकी अच्छी होनी चाहिए, तो क्यों ना हम अब गरीब के पास से दिए लें, मिट्टी के दिए खरीदें, लाइट्स का उपयोग थोड़ा सा कम करें, और दिवाली में दिए जलाएं, कैंडल्स जलाएं। दिवाली का नाम ही है कि हम इस दिन दिए जलाएं। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाइए, अपने घर वालों के साथ मनाइए, अपने दोस्तों के साथ मनाइए। और हाँ, घर को बिजली और बल्ब से मत सजाना, अपने देश की मिट्टी के दिए जलाना। थैंक यू फॉर अनुराग सर कि आप हर मंथ में कोई ना कोई कंपटीशन जरूर कराते हैं, जिससे हम बच्चों का नॉलेज बढ़ता रहता है। इसी तरह आप कंपटीशन कराते रहिए, हम पार्टिसिपेट करते रहेंगे। और जिन बच्चों ने भी अभी अनुराग सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से कर लीजिए, अगर आपको अच्छी स्टडी चाहिए तो। जय हिंद, जय भारत।